नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंधेशक न्यूज में। साथियों, यहां पर अंधेशक से संबंधित एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज वायरल हो रही है। क्या है वो खास खबर, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक बताएंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंधेशक मामले में एक नया मोड़ आया, न्याय याची बने हैं विक्रम सिंह। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है विक्रम सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें नए याची बने हुए हैं और अब उन्होंने क्या यहाँ पर लिखा है एक पोस्ट में, मैं आपको पढ़कर बताऊँगा। पहले इस पोस्ट को पढ़ते हैं। हमारा अधिकार और संविधान कहता है हाथ पर हाथ धरे रहने से कोई फायदा नहीं है। परम आदरणीय डॉक्टर एपी सिंह साहब एक वरिष्ठ अनुभवी वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। उनकी कानूनी राय और उनके एक्शन के द्वारा, उनके मार्गदर्शन दिखाए गए द्वारा हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बड़े भाई विक्रम सिंह जी भी हम लोगों की लड़ाई को आगे ले जाने का काम करेंगे, जो लगातार न्यूज़ चैनलों में और समाचार पत्रों में रोज़ प्रकाशित हो रहा है, जो सरकार के कानों तक अंधेशकों की आवाज़ जाकर टकरा रही है। अंधेशकों को भी लोग जानते लगे हैं, यानी कि जानने लगे हैं अंधेशकों के मामले को, मानदेय 17,000 के मामले को, कि जूनियर में कोई अंधेशक पढ़ाता है और कोई अंधेशक शिक्षक नाम का व्यक्ति भी बेसिक में कार्यरत है संविदा पर। साथियों, पोस्ट लेते हैं, देखिए क्या लिखा है अंधेशक विक्रम सिंह जी ने। क्रांतिकारी तबीयत के नौजवान साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत ही होंगे कि आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निदेशक महोदय बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के मुलाकात एवं माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभावी अनुपालन के लिए सम्यक पैरवी करने राज्य परियोजना कार्यालय निषादगंज जाना हुआ। मतलब मानदेय 17,000 के लिए पैरवी करने के लिए जाना हुआ, लेकिन निदेशक महोदय द्वारा अचानक सुबह ही प्रयागराज हाई कोर्ट चले जाने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। अंधेशक की तरफ से प्रत्यावर्तन निर्णय की प्रति विभाग को लिखित रूप से रिसीव कराया गया। परियोजना के कुछ अन्य महानुभावों के कोर्ट निर्णय पर सार्थक विचार विमर्श भी किया गया, यानी कि संकेत अंधेशकों के लिए मंगलकारी होगा, मंगलकारी है और शुभ ही होगा कि उनको कम से कम एक वर्ष का मानदेय तुरंत सरकार दे सके। उसके लिए अंधेशक अध्यक्ष विक्रम सिंह जी लगे हुए हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी पोस्ट में भी इशारा किया है। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, बस हमारा अनुरोध है कि आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखते हुए कि आपका संघर्ष अवश्य फलित होगा, आप धैर्य बनाए रखें। आगे साथियों लिखा है, साथियों रणनीति के तहत शीघ्र ही लखनऊ में समय देकर सभी प्रॉपर चैनलों से प्रभावी पैरवी की जाएगी। विक्रम सिंह अध्यक्ष परिषदीय अंधेशक संघ उत्तर प्रदेश। तो आपने देखा अंधेशक अध्यक्ष विक्रम सिंह जी के द्वारा पोस्ट के माध्यम से समस्त अंधेशकों को अवगत कराया है। क्या संघर्ष जारी है, क्या कुछ कार्य किया जा रहा है अंधेशक मानदेय 17,000 को प्राप्त करने हेतु एक वर्ष का जो आदेश दिया है माननीय न्यायालय ने, वो किस तरीके से प्राप्त हो, उसके लिए कार्य अनवरत जारी है। तो साथियों ये थी अब तक की खास खबर, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ अंधेशक न्यूज़ पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।